चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के डेंजर जोन स्वाला में बुधवार को एक विशाल बोल्डर कार पर आ गिरा। देवयोग से कार में सवार कोई यात्री घायल नहीं हुआ। अलबत्ता कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। टनकपुर निवासी चालक योगेंद्र प्रताप सिंह बुकिंग में सवारी को लेकर लोहाघाट जा रहे थे। स्वाला के निकट अचानक पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरा, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। यात्रियों को कोई चोट नहीं आई। क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही सुबह 9 बजे से हो रही है, जिस कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। एक के पीछे एक गाड़ियां होने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। चंपावत पिथौरागढ़ के लोगों ने इस क्षेत्र में हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस ड्यूटी लगाने की मांग की है। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र से एक 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों एक व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री लापता हो गई है। पुलिस ने इस मामले में खोजबीन की तो पता चला कि बालिका को मोहम्मद कैफ निवासी मुजफ्फरनगर पहला फुसलाकर भगा ले गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बुधवार को भारत और नेपाल के बीच छारछू में बने मोटर पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली और कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है। यह पुल इन संबंधों को और समृद्ध बनाने में मददगार होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुल संचालन के लिए जो भी तैयारी बची हुई है उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी आदि मौजूद रहे। नगर में चल रही रामलीला के छठे दिन सूर्पनखा की नाक कान काटे जाने का मंचन किया गया। संजय टमटा ने सूर्पनखा का शानदार अभिनय किया। पंचवटी में राम लक्ष्मण को रिझाने का प्रयास असफल होने पर माता सीता पर आक्रमण करने पहुंची सूर्पनखा की नाक काटे जाने के बाद खर और दूषण का वध तथा रावण द्वारा सीता हरण तक की लीला का मंचन किया गया। खर के रूप में पवन जोशी, दूषण के रूप में अनिल महरा ने शानदार अभिनय किया। रावण की भूमिका कविंद्र शाह ने निभाई। जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को खेले गए पहले मुकाबले में इकोस्ट्रा 11 ने कोषागार की टीम को 9 विकेट से पराजित किया। मनोज मलिक प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किए गए। दूसरा मुकाबला शिक्षा विभाग और एनको क्रिकेट क्लब के मध्य हुआ, जिसमें एनको क्रिकेट क्लब की टीम 7 विकेट से विजयी रही। इस मुकाबले में गौरव जोशी प्लेयर ऑफ द मैच रहे। तीसरा मुकाबला एनसीए क्रिकेट क्लब और 22 यार्ड के बीच खेला गया। मुकाबले में एनसीए की टीम 9 विकेट से विजयी रही। पीयूष राज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मुख्य अतिथि पिथौरागढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव उमेश चंद्र जोशी ने मुकाबलों की शुरुआत कराई। पिछले दिनों मथुरा में आयोजित क्षेत्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर मुंसियारी के विद्यार्थियों को जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने सम्मानित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष प्रमोद कुमार द्विवेदी, संरक्षक गोकर्ण सिंह मर्तोलिया, डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रधानाचार्य नवीन चंद्र शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार जताया और बॉक्सिंग कोच महिमा विश्वकर्मा को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। मुंसियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को केंद्र परिसर में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य द्वारा
उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा है कि वह क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ चिकित्सालय समिति के सदस्य भी हैं। मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर वे समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। अस्पताल में तमाम गड़बड़ियां चल रही है और एक निजी कंपनी का प्रचार आशाओं की ऑफिशियल फेसबुक पेज से किया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। इसी से परेशान होकर कुछ लोग उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच नहीं होने पर वह आंदोलन को बाध्य होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।